सर पर तीन पगड़ी बांध के सफेद चादर ओढ़ के बैठा है, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के शांति का वार्ता देता है। चलो चलते हैं उस मिट्टी पर जो कभी रक्त से भीगी थी, अपने सुपूतों को खोके वो भी कभी रोई थी। नहीं, अब युद्ध नहीं चाहती हूँ, जी जी कर बोली थी जिसने चंडा शोक को धर्मा शोक में बदल दी थी। वहीं से शुरू हुआ था शांति की ये कहानी, फिर से दुनिया वही दृश्य देखेगा अगर हम वो शांति की बात न माने। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं जयश्री आप सबको स्वागत करती हूँ बुक बुक में। आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगी जो पूरी दुनिया को शांति का वार्ता देता है, धौली स्तूप, जिसको शांति स्तूप भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। शांत और सुंदर दिखने वाली ये दया नदी 262 BC में हुए कलिंग युद्ध के समय में निहत और आहत सैनिकों के रक्त से बिल्कुल लाल हो गया था। वर्तमान इस दया नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज के ऊपर से आप अगर देखो तो शांति स्तूप बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। भुवनेश्वर से धौली का डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर का है। भुवनेश्वर और पूरी रोड के बीच में दाहिने तरफ एक रास्ता सीधा धौली के तरफ जाता है। उसी रोड में एंट्री करते ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, जहां से आप बस लेके धौली तक जा सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है उसको भी लेके आप धौली तक पहुंच सकते हैं। उसी रास्ते में थोड़ी दूर आने के बाद हमें मिला अशोक रॉक एडिट, जिसको अशोक शिलालेख भी कहा जाता है। यहाँ पर एंट्री करते ही सामने 3 पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। यहाँ पर पास में ही एक विशाल बरगद का पेड़ है। कलिंग युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां पर विजेता सम्राट अशोक ने युद्ध के भयावहता को देखकर तलवार छोड़ दिए और कभी युद्ध ना करने के लिए संकल्प ले लिए थे। दाहिने तरफ जाते ही एक घर है, घर के अंदर एक शिला है, शिला के ऊपर ब्राह्मी भाषा में शांति का वार्ता लिखा गया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही दाहिने तरफ बहुत ही सुंदर सा एक हाथी का मूर्ति है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अशोक रॉक एडिट घूमने के बाद हम निकल पड़े धौली के ओर। धौली में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर पांथी का नाम का एक गेस्ट हाउस है। शांति स्तूप में जाने के लिए बाएं तरफ लिफ्ट है जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट और बुजुर्गों के लिए है। राइट साइड में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, तो हमने सीढ़ी का रास्ता चुना। ऊपर पहुंचते ही नजारा बहुत ही खूबसूरत था। ये
ये है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध शांति स्तूप, जो जापानी बुद्ध संघ और कलिंग निपुण बुद्ध संघ के द्वारा 1970 में धौली के पहाड़ी की चोटी पर सफेद आभा वाली ये मंदिर निर्माण कराया गया था। यहाँ गौतम बुद्ध की जीवन शैली के साथ साथ विभिन्न मुद्राओं में भगवान बुद्ध की चार विशाल मूर्तियाँ हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म का चार सत्य तथा दुख, समुदय, निरोध और मार्ग सम्राट अशोक के जीवन में विशाल परिवर्तन लाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करके उसका प्रचार और प्रसार प्रारंभ किए थे। स्तूप के चारों तरफ बने हुए छवियां सम्राट अशोक की चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित होने की पूरी कहानी बताती हैं। धौली पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ ये शांति स्तूप काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर खत्म होती है हमारी धौली की यात्रा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।